मैं जानना चाहता हूं कि गजल इस रिश्ते से खुश है या नहीं। मुझे शक है कि गजल घर वालों के दबाव में ये निकाह कर रही है। रुहान, तुम बेवजह गजल पे शक कर रहे हो। मैंने तुम्हें समझाया था ना, गजल तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती है, तुम उस पे शक मत किया करो। तो क्या करूं? गजल ने मुझे मजबूर किया शक करने पे। मुझे महसूस होता था कि गजल मुझसे मोहब्बत नहीं करती, लेकिन मैंने अपने दिल को समझाया कि गजल तुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती। रोहान, तू गलत सोच रहा है, लेकिन आज तो हद हो गई। मंगनी वाले दिन ये घर छोड़ के भाग गई। इससे क्या साबित होता है कि ये इस रिश्ते से खुश नहीं है। रुहान, मेरे जज्बाती देवर, तुमने मोहब्बत तो कर ली पर एक लड़की को पढ़ना नहीं सीखे। अभी साफ साफ बोलिए, आप क्या बोल रही? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रुहान, अगर कोई लड़की तुमसे दो कदम दूर होने की कोशिश करे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती। हाँ, कभी कभी लड़कियां घबरा जरूर जाती हैं, मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो अम्मी से पूछ लो। सही तो कह रही है दुआ, हर लड़की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होती। निकाह तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बेटा। बड़े अम्मी, ये सारी बातें सुनने और कहने के लिए ठीक है, लेकिन गजल का इस तरह बिना बताए चले जाना मेरे ही नहीं, मेरे खानदान के लिए शर्म वाली बात है। आज हम पूरी बिरादरी के सामने शर्मिंदा हो गए। रुहान, समझने बस भाभी। आप कुछ मत बोलिए। जो जवाब देना है गजल देगी। गजल, बताओ तुम इस रिश्ते से खुश हो या नहीं? जवाब दो। डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।